चैप्टर टू सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये पहला टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें अनेक क्वथनांक का बढ़ना उन्हें क्या होता है। तो सपोज करें कि ये सॉल्वेंट है और इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका T0 है और इसमें हम क्या करते हैं कोई विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो जो इसमें रिक्त स्थान होता है उसमें आकर के ये समायोजित हो जाता है और समायोजित हो जाता है विलयन बन जाता है बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है और इस विलयन को जब गर्म करते हैं तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है तोड़ने के लिए ऊर्जा उतनी ज्यादा लगेगी तो इस विलयन का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है और वह बढ़ के हो जाता है कितना Ts और इस घटना को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। और ये कितना होता है यहां से आप देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होता है डेल्टा टी और टी भी लिखते हैं अर्थात क्वथनांक में उन्नयन। और ये कितना होता है या टी भी बराबर होता है टी एस माइनस टी जीरो। तो ये था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें है क्या तो T0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो जाएगा और Ts बराबर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो बढ़ता क्यों है तो क्वथनांक का वृद्धि बढ़ना के गुणधर्म होता है। तो यहां से आप देखें जब किसी विलेय पदार्थ को विलायन में घूमते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। टीवी बराबर डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टीजीरो जहां टीजीरो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और Ts बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप ध्यान दें इसमें इस फिगर को हमें पढ़ना है। इस फिगर का मतलब क्या होता है यहां से देखें एक सॉल्वेंट है वेपर प्रेशर यहां पर P0 है ये सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर देखें यहां पर Ts है या T0 इसका बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट Ts है। इसमें आप देखेंगे यहां से आप देखें ये डेल्टा टीवी है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये है डेल्टा टी। इस फिगर से पता चलता है कि डेल्टा टीवी जो है बढ़ाने पर डेल्टा पी का मान बढ़ जाता है डेल्टा पी का मान बढ़ जाता है अर्थात यहां से आप देखेंगे डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा डेल्टा पी। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं इधर टेम्परेचर इधर वेपर प्रेशर दिखाया गया है और यह समानुपाती जो होता है मोलर टी के बराबर होता है। तो ये था आपका इस फिगर का मतलब। ध्यान दें टेम्परेचर वेपर प्रेशर जब हम विलायक में विलेय पदार्थ घोलते हैं विलयन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर T0 से Ts हो जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट T0 से Ts हो जाता है। जो जो वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है अर्थात डेल्टा टी भी डेल्टा पी के समानुपाती होता है और यह समानुपाती उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। तो ये इस फिगर का मतलब हो गया। अब हम आगे चलें देखें अभी आपने राउंड्स लॉ पढ़ा था तो यहां पर दिखाया गया था कि डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होता है यहां से होता है डेल्टा पी अपॉन P0 इज इक्वल टू तो मोलल टी इनटू N2 अपॉन 1000। अब पी को उधर भेज दें तो यहां डेल्टा पी इज इक्वल टू मोलल टी इंटू M2 इंटू हो जाएगा डेल्टा P0 यहां से P0 अपॉन हो जाएगा यहां से 1000। अब ये पूरा ट्रांस
कांस्टेंट है तो यहां देखेंगे यहां से जब ये कांस्टेंट है विलायक के लिए तो डेल्टा पी समानुपाती मोडलिटी यहां से प्राप्त होता है। तो ये था आपका इसमें फिगर का मतलब। अब चला हम आगे देखते हैं। यह बताया गया कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और यह डेल्टा टीवी यानी से डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं और किसी विलयन का क्वथनांक का उन्नयन उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यहां से आप देखें डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल मोललिटी, मोललिटी हो गया। और आगे बढ़े तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा केवी और यहां से आ जाएगा मोललिटी। अब एक नया कांस्टेंट आ गया क्या केवी, और केवी को कहते क्या है, इसको नाम देते हैं मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये हो गया। और आगे यहां से बढ़े देखें तो ये आप यहां से जाएगा डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी और मोलरिटी बराबर डायरेक्ट हम यूज कर दे रहे हैं 1000 W/m × W प्रस्ताव कर लेंगे तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 KV और स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू ये प्राप्त होता है। ये फार्मूला है आपका इसका एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का। अब है क्या क्या इसमें स्मॉल डब्ल्यू बराबर देखें वेट का क्या हो जाएगा सॉल्यूट होगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा तो वेट का सॉल्वेंट हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा क्लियर। और केवी क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डेल्टा टीवी क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आगे देखें तो ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे इस केवी को हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है इसके लिए हम देखें क्या करते हैं स्मॉल डब्ल्यू बराबर मान लेते हैं 1 मोल। 1 मोल किसको कहते हैं तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ग्राम को 1 मोल कहा जाता है। कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 kg मान लेते हैं और 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। अब ये वैल्यू इसमें पुट किया जाता है यहां से मिल जाता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 1000 KV इनटू एम डब्ल्यू के जगह पर एम है अपान नीचे भी एम कैपिटल डब्ल्यू के जगह पर 1000 से कैंसिल एम से एम कैंसिल यहां मिल गया डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या अर्थात किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा जब 1 मोल को 1 kg में घोलेंगे। इसी को परिभाषा बनाइए देखिए क्या बोलेंगे 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 kg विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 kg विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब यहीं से देखें परिभाषा चेंज हो जाती है। अगर हम क्या करें डब्ल्यू बराबर लिख लें 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू बराबर हम कर दें यहां से 100 ग्राम अगर इस कंडीशन में तो हमारा फार्मूला आ जाता है डेल्टा टी इक्वल टू लिखते हैं 100 K स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू के फार्मूला प्राप्त होता है जिसमें क्या होता है के बराबर क्या बोलते हैं के को हम मोलर नहीं मोलर बोलते हैं मोलर मोलर यहां पर देखें मोलर के स्थान पर हम यहां से देखें ये प्राप्त होता है। यहां से आप देखें
इसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहां से देखते हैं w बराबर हो जाएगा 1 मोल कैपिटल w बराबर हो जाएगा 100 ग्राम तो उस समय देखें एक फार्मूला आ जाता है आपका डेल्टा t इक्वल टू हाउ जेंट के स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल w एक प्राप्त होता है इसमें k इक्वल टू क्या होता है यहां से आ जाएगा मोलर या के भी क्या था मोलर था ये क्या है मोलर मोलर एलिवेशन एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट कहते हैं अब इसको परिभाषा क्या देंगे तो कहेंगे एक मोल विलेय पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अर्थात मोलर अवन्यन स्थिरांक या मोलर को कहते हैं आणविक कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक के कहते हैं अब इसमें एक टॉपिक और देखें यहां से क्या प्राप्त होता है अगर किसी विलायक का मोलर एलिवेशन निकालना है यहां से आप देखें के भी बराबर क्या होता है 0.02 स्क्वायर अपॉन एल ये प्राप्त होता है फार्मूला यहां से है क्या क्या ये सब कांस्टेंट होते हैं विलायक के लिए इसलिए के भी का मान भी कांस्टेंट होता है टी इक्वल टू क्या हो जाएगा या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एल बराबर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है तो ये था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवलोकन इसमें देखें क्या होता है यहां पर भी कि सपोज करें कि ये विलायक है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम मानते हैं क्या T0 है जब इसमें हम सॉल्वेंट इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को घोलते हैं जब घोला जाता है विलयन बन जाता है तो आप देखेंगे कि जब ये आके इसमें समायोजित हो जाते हैं बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो जो जमने की प्रवृत्ति है और पहले हो जाती है अर्थात उसका कम हो जाता है और उस कंडीशन में ये जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएस प्राप्त होता है ये कमी होती है और इसी कमी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवलोकन और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से और यह बराबर होता है टी जीरो माइनस कितना टीएस पे प्राप्त होता है और ये है क्या हिमांक का अवलोकन अब इसमें है क्या क्या यहां से आप देखेंगे T0 इज इक्वल टू या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो जाएगा और TS बराबर हो जाएगा फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन हो जाएगा अब परिभाषा इसके देखें डिफिनेशन क्या होगी कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है और इस कमी को डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसे हिमांक का अवलंबन कहते हैं और इसमें डेल्टा टी जीरो माइनस कितना टी एस टी जीरो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और टी एस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन तो ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अब आप देखें इस ग्राफ में तो ग्राफ में देखेंगे होता क्या है यहां से कि जब ये यहां से आप देखें ये होते हैं पहला इसको नाम देते हैं सॉल्वेंट हो गया और यह हो गया सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट जब था तो इसका वेपर प्रेशर पी जीरो या पी नॉट था ये क्या हो गया विलयन का पीएस हो गया इसका मतलब आप देखेंगे इस फिगर में हो जाएगा डेल्टा पी और यह समानुपाती होता है मोलरिटी मोलरिटी के बराबर होता है
इधर टेम्परेचर है, इधर वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये डेल्टा टीएफ है, विमांत में अवनमन है, ये वाष्प दाब का अवनमन है। जो-जो डेल्टा पी का मान बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ का भी मान बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और यह समानुपाती मोलरिटी के होता है। तो देखें, जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इस जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, और इसे डेल्टा डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, और यह डेल्टा हिमांक का अवनमन उस विलयन के मोललता मोललिटी के समानुपाती होता है। यहां से पाएंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ और यह हो जाएगा मोललिटी, मोललिटी हो जाएगा। और यहां से आप देखेंगे ये नया कांस्टेंट आपको मिल गया, केएफ बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मोलल या मोलर डिप्रेशन बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट ये हो गया। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, केएफ मोलरिटी के जगह पर 1000 डब्ल्यू अपॉन एम इनटू फैक्टर डब्ल्यू। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ, पहले 1000 ला देंगे तो हो गया, यहां से केएफ हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या क्या है, डेल्टा टीएफ क्या है, एलिवेस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यहां से स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और यह बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखें यह हो जाएगा मोलर मास, यहां से देखें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा सॉल्यूट, और उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहां से देखें कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बीटा सॉल्वेंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं यहां से स्मॉल डब्ल्यू बराबर मान लेते हैं कितना, स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल कितने को कहते हैं, तो जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ग्राम को 1 मोल कहा जाता है। कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 केजी बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम, ये दोनों वैल्यू किस में हम पुट करते हैं, ध्यान दें यह हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ और एम हो जाएगा अपॉन, यहां से एम इनटू हो जाएगा 1000, एम से एम कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, अर्थात डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ, अर्थात मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ किसके बराबर है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के, कब, जब डब्ल्यू बराबर 1 मोल को कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 केजी में घोला जाता है। डिफिनेशन देखें क्या कहेंगे, 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 केजी विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 केजी विलायक में घोलते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अगर ये कंडीशन थोड़ा सा बदल दें, स्मॉल डब्ल्यू बराबर ले रहे हैं 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू बराबर कर दें 100 ग्राम, तो उस समय फार्मूला आ जाता है डेल्टा टी इज इक्वल टू लिखते हैं 1100 या के स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू, ये फार्मूला यूज होता है, जहां के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के बराबर होता है मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसको देखें क्या बोलेंगे, यहां से देखें कांस्टेंट हो जाएगा,
डब्ल्यू बराबर एक मोल, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100 ग्राम, और इस कंडीशन में जो के आता है उससे हम एक के प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है, केएफ दिया है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसकी डिफिनेशन देखें क्या होगा मोलर अवनमन स्थिरांक की, एक मोल विलेय पदार्थ को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी प्राप्त होती है तो उसे मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। के एफ बराबर हो जाएगा 0.002t2t2 अपॉन L, ये प्राप्त होता है। इसके हेल्प से हम निकाल लेते हैं, चूंकि विलायक के लिए के एफ का मान कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी कांस्टेंट होती है, लेटेंट हीट भी कांस्टेंट होता है, इसलिए के भी का के एफ का मान भी कांस्टेंट होगा। यहाँ टी क्या है, तो टी हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से एल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा और उससे विलायक का हिमांक, ये दोनों वैल्यू लगते हैं कि आपका मान निकल जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन का हिमांक -1.5 सेंटीग्रेड पाया गया, तो विलयन का बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कीजिए। इसमें हिमांक भी है और क्या, और जबकि दिया हुआ गया है कि ये भी बराबर कितना है 0.51 सेंटीग्रेड पर मोलर, और के एफ बराबर दिया गया है 1.86 यहां से केल्विन पर मोलर दिया गया है, मोलर ये कांस्टेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम दोनों का एक का हिमांक का अवनमन क्वथनांक का देखें, यहां से क्या हो जाएगा डेल्टा टी भी बराबर हो जाएगा टी एस माइनस टी जीरो, और ये बराबर कितना हो जाएगा यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा टी एस माइनस हो जाएगा 100। उसी तरह से डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा यहां से हो जाता है टी जीरो माइनस से, यहां से टी एस मार रखें 0.0 और माइनस पुनः माइनस हो जाएगा 1.5, अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर प्लस हो जाएगा 1.5। अब इसके बाद और क्या कह दिया गया है यहां से फार्मूला देखें दोनों, तो डेल्टा टी बी अपान डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के बी अपान टी एफ मान रखें, तो डेल्टा टी बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो टी कितना दिया गया यहां से ये टी एस है, तो इसको आप लिख सकते हैं टी एस माइनस कितना 100 अपॉन 1.5 इक्वल टू के बी का मान 0.51 और यह हो जाएगा 1.86। और सॉल्व कीजिए यहां से हो जाएगा टी एस माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.51 × 1.5 / 1.86 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिए यह बराबर हो जाता है 0.411। अब यहां से तो टी एस बराबर कितना हो जाएगा 100.00 प्लस 0.41 और ये बराबर हो जाएगा 100.41 सेंटीग्रेड। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.1 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का बॉइलिंग पॉइंट 0.42 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है,
तो विलेय पदार्थ की मोलर मास ज्ञात कीजिए जबकि केवी का मान दिया गया है। देखें क्या क्या गिवन क्वांटिटी है। स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है तो 2.1 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है तो 100 ग्राम हो जाएगा। और उसके बाद डेल्टा टीबी बराबर कितना है, कितना हो जाएगा 0.42 सेंटीग्रेड है। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे केवी बराबर कितना है 2.68 है सेंटीग्रेड पर मोलर मोलर है। पूछ क्या रहा है इसमें, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से पूछ रहा है कि और एक इसमें देखें पूछ रहा है इसका मोलर मास। तो आ जाए फार्मूला देखें क्या होता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केवी केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल यहां से एम बराबर हो जाएगा 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन यहां से डेल्टा टीबी और स्मॉल स्मॉल क्या यहां से कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। मान रखें तो 1000 हो जाएगा। केवी का मान कितना है तो 2.68 है इनटू 2.1 हो गया या 0.42 हो जाएगा। और ये कितना है 100। यहाँ से देखें ये कट गया। सॉल्व करते हैं एम बराबर कितना हो जाता है यहाँ से देखें 136 अर्थात ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो जल के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 2.25 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है 25 ग्राम। एम ग्लूकोज है कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और उसके बाद डेल्टा टी एफ बराबर कितना है 0.93 सेंटीग्रेड। तो कह रहा है के एफ का मान क्या होगा। पहले देखें फार्मूला से लगाना यहां से सॉल्व करें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब के एफ निकालना है क्या हो जाएगा यहाँ से देखें के एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल यहाँ से डब्ल्यू। मान रख जाए डेल्टा टी एफ का मान 0.93 एम का मान 180 स्मॉल डब्ल्यू का मान कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 25। अब यहाँ से हो जाएगा 1000 और 1000 क्या हो जाएगा यहाँ से के एफ बराबर 1000 और इंटू हो जाएगा 2.8 कितना है 25। सॉल्व कर लीजिए तो 1 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा के एफ बराबर आता है 6 सेंटीग्रेड पर मोलर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका